चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। ये नहीं कुत्ते के कोफ्ते, मुर्गी के। अच्छा हुआ तो वो कुत्ता मुर्गी का था। मुस्तकीम महमूद ने, महमूद का कैसे हो सकता है, क्योंकि महमूद को तो डर लगता है कुत्ते बिल्लियों से। एक बार महमूद को चक्की काट दी ना कुत्ते ने। हेलो पापा, कैसे हैं आप? क्या पापा, इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू पापा, दाफिस। क्या क्या हुआ मेरे पापा जी, क्या कह रहे हैं मेरे पापा जी? पापा 5 लाख भेज रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ, कल तक मिल जाएंगे। जानू क्या बात है मेरे पापा जी, मुझे पता है मेरे पापा जी कितने अच्छे हैं। अब सोचना ये है कि मैं इन 5 लाख रुपए का करूंगा क्या, भाई कारोबार कौन सा करूंगा। नबील, हम ना उन 5 लाख से ना चूड़ियों की दुकान खोल लेते। हाँ महमूद साहब, और अपनी दुकान के बाहर लिख के लगा देंगे, खूबसूरत लड़कियों के लिए चूड़ियां मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। हरगिज नहीं, ये पैसे पापा ने तुम्हारे फजूल बिजनेस के लिए नहीं भेजे। तो फिर क्यों भेजे तेरे कंजूस पापे ने ये पैसे? उन्होंने पैसे मुझे ईद के कपड़ों के लिए भेजे। 5 लाख के तो मैं सारे पिंड के लिए कपड़े खरीद लूं। हाँ जानू, ये तो सरासर फजूल खर्ची है, और ना ये फजूल खर्ची तो मैं नहीं करने दूंगा। तुम एक काम करना, 2 लाख मुझे दे देना कपड़ों के लिए, और 1 लाख माँ जी को दे देना कपड़ों के लिए। और मैं क्या पहनूंगा भाई? अब मैं मुसाब, आप पिछली ईद वाले कपड़े धोके पहन लीजिएगा। हाँ पिछली ईद जितने अच्छे लगेंगे आप। मैं सबके कपड़े खुद लाऊंगी और बाकी पैसे सेव करूंगी। कर दी ना तुमने फिर गरीबों वाली बात जानू। शट अप नबील। ओके जानू, ये सालन मैंने पकाया था शकीला, बैठ गया। नबील देखो यार, जानू देख रहा हूँ नींद में तुम्हारी आंखें कितनी हसीन लग रही हैं। ओफो मेरी आंखें नहीं, जाके दरवाजे पे देखो यार। मैं नहीं जा रहा दरवाजे पे यार। क्यों? क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। मुझे मालूम है। खूबसूरत मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बड़ा अफसोस है इस बात का मुझे। कंट्रोल खूबसूरत कंट्रोल। जाओ जाकर देखो दरवाजे पे। जा रहा हूँ यार, चलो तो ना। कायल आदमी। जा रहा हूँ कायल आदमी, जा भी मैं ही रहा हूँ यार। वो तो जाती नहीं है। भाई आ रहा हूँ, ये ढोल तो बंद करो। उठ गए भाई, उठ गए। ऐसा किया कर, मैं डर जाता हूँ। गोली तो पेट दर्द की या सर दर्द की? अबे मेरा नाम है गोली भाई। भाई को गोली कहते हैं, ये ढोल की पकड़ और चल अंदर। घर में कौन है? वो तो सारे गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं भाई। हाँ तो ठीक है, जो गधे घोड़े बेच कर रकम मिली है ना, वो हमारे वाले कर दे। अबे वो मिसाल दे रहा है। उस्ताद मिसाल का हम क्या करेंगे, हमें तो पैसे चाहिए ना। चुप कर जा। ये बता घर में कितना माल है पता? कौन सा माल भाई, हम लोग तो गरीब लोग हैं और मैं तो बच्ची हूँ यहाँ। भूली भाई ऐसा करते हैं, इसे साथ ले जाते हैं, ये हमारे लिए खाना पकाया करेगा। वैसे भी भाभी के हाथ का खाना खा खा कर तंग आ गया। देखो भाई मैं ना, मैं बवर्ची नहीं हूँ, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे कहीं ना लेके जाना यार प्लीज। झूठ बोलता है, चल अंदर और सबको उठा जाके। चल 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 उठा रहा हूँ भाई। क्या चाहिए यार? महमूद साहब इनको पैसे चाहिए यार। तू इन फकीरों को सीधा अंदर ही लेकर आ गया पुत्र। बीबी तुझे मेरे हाथ में ये गन नजर नहीं आ रही? ओहो तो तू गने बेचने आया है, जा इधर से भाग, हमें नहीं चाहिए। ओ माँ जी, ये गन बेचने नहीं आया, हमें लूटने आया है। चलो लाइन में लगो। और इस कमरे में कौन है? खूबसूरत जानू, खूबसूरत देखो कौन आया है। जानू चाकू और गोली आया है। जरूर माँ जी के रिश्तेदार होंगे, वापस भेजो यार इन्हें। ए लड़की
मैं गोली भाई हूँ, गोली भाई। और मैं चाकू। हम लोग डकैती मारने आए हैं। खबरदार को हिला दो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अंदर जाके तुझे कैसे पता चलेगा कि हम हिल रहे हैं कि नहीं? ओ, मैं अंदर माल देखने जा रहा हूँ। कौन सा माल भाई? मैं अंदर सोना चांदी देखने जा रहा हूँ। अरे वो तो हॉस्टल में है। उस्ताद ये लोग पागल लग रहे हैं। लोग सोना चांदी बैंक में रखते हैं और ये लोग हॉस्टल में रखते हैं। सोना चांदी हमारे बच्चों के नाम है और तुम लोग हमें बेवकूफ समझते हो। बेशक उस्ताद शक्ल से खोते लगते हैं मगर है नहीं। क्यों उस्ताद? मैं अंदर जाके देखता हूँ, इन पे नजर रखना, अगर ये हिले गोली मार देना। हटो। ठीक है उस्ताद। ओ, मैं मूसा मिल रहे हैं, भेजो ना उनका। चलो चलो लाइन में लगो, उधर चलो 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 यार, चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। क्या हुआ उस्ताद, क्या मिला अंदर? अबे अंदर तो एक तिनका भी नहीं मिला। हाय, तो तिनके ढूंढने गया था रोली भाई उधर। मैं रुपए पैसे जेवरात ढूंढ रहा था। अबे तुम लोग तो बहुत ही कंगे लोग हो। रोली भाई, हमने तो पहले ही बताया था कि हम लोग बड़े गरीब हैं। हमने काम कहा था कि हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं यार, और महमूद साहब तो ना नागन चुरंगी पे 12 से लेके 6 बजे तक भीख मांगते हैं। हाँ, और उसी चुरंगी पे ना 6 से 9 बजे नबील निकलता है तेल की शीशियां लेके सबकी चंपी करने के लिए। चले उस्ताद कहीं और डाका डालते हैं, ये तो बहुत ही गरीब लोग हैं। चल यार चल। शुक्र है भाई 5 लाख बच गए हमारे। कौन से 5 लाख? वो जो भी आए भी नहीं है बच्चू। कब आएंगे? ये तो फरजाना का बाप ही भिजवाएगा ना अपने मैनेजर से। कब? वो तो खतीजा ही बता सकती है ना। कौन खतीजा? इकरार की बीवी। ये इकरार कौन है? शुबाना का शोहर। माँ जी कंट्रोल करती ना यार, क्यों बता दिया? सच सच बताओ वरना तुम सबका भेजा उड़ा दूंगा मैं। गोली भाई, वो बेसिकली ना मेरे ससुर ने भेजना है 5 लाख रुपया, कल शाम तक ही आएगा। हाँ, उस 5 लाख की छोटी सी रकम के लिए अब कल शाम तक तो आप नहीं रुकेंगे ना। क्यों अपना गोली भाई? उस्ताद ने कभी 5,000 इकट्ठे नहीं देखे, ये तो फिर भी 5 लाख है। क्यों उस्ताद? चल बे, हम लोगों को भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। अब हम कल इफ्तार के बाद ही यहाँ से जाएंगे। साड़ी का बंदोबस्त करो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो जाओ। साड़ी का बंदोबस्त करो, जाओ जाओ चलो भाई। और हम लोग क्या करें? तुम मालिश करो और तुम भीख मांगो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। जानू मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं यार। मुझे तुम्हें अभी से आ रहे हैं वो चक्कर है। हाँ जी चलो 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 बेडरूम कहाँ है? क्यों आप मेरे बेडरूम को लाउंज में लेकर आएंगे सुल्ली भाई? मैं खुद जाकर सोऊंगा। हम भी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, वैसे भी बिना सहरी के रोज आया हमारा। खबरदार, जब तक पैसे नहीं मिल जाते कोई नहीं सोएगा। चाकू, अगर ये लोग कोई होशियारी करे तो गोली मार के लेने। ठीक है उस्ताद। सो जा चाकू, आंखों के उजाले। और तुम लोग मुझे सुलाना चाहते हो? नहीं चाकू भाई। तो फिर कुछ ऐसा करो कि मेरी नींद उड़ जाए। अच्छा ये ले। मैंने ये करने को नहीं कहा था। तुम लोग नाचो नाचो यहाँ। और नाचो। और तुम क्यों नहीं नाच रही? नाचो वरना गोली मार दूंगा तुम्हारे शोर को। शौक से मार दो भाई। जानो ओ भाई, अब तो नचा लिया, थोड़ा सा सोने दे दे यार 10 मिनट। लगता वो पैसे लेके आ गया। तू मेरे साथ इसको ले जाए ना। नहीं तू चलेगा। और तुम लोग चुप करके बैठ जा, आवाज तक नहीं निकालना और हिलना तक नहीं आ सकता। चल चल चल। हां जा जाओ। कोई होशियारी नहीं करनी, समझा? नहीं नहीं, यहां खुजली हो रही है, वो कर लो। हां चलो यार जल्दी कर। 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 बाबा, 5,000 रुपया बनता है। 5,000 नहीं 5 लाख।
नहीं नहीं जी 5,000। अब पागल हो गया क्या? 5 लाख रुपए? ओ नहीं जी, मुझे याद है अच्छी तरीके से साई, 5,000 है। तुम लोग तो कह रहे थे कि पूरे 5 लाख है। अच्छा बाबा, फिर आप 5 ही लाख ही दे देना सही। मैं नहीं, तू देगा 5 लाख रुपए। ओ साई, मैं दूध वाला उनसे पैसे लेने आया हूँ भाई। 5,000 चढ़ गया इस घर पे, मैं वो ही लेने आया हूँ। हाँ, ये हमारा दूध वाला है। हाँ भाई, कैसे हो तुम और कैसी है तुम्हारी वो भैंस? बाढ़ में गई भैंस बाबा, आज पैसे नहीं दिए तो मैं दूध देने नहीं आऊंगा। चाकू भाई दे देना इसको 5,000 रुपया, वरना कल से ये दूध नहीं देगा और फैनी और लस्सी के बगैर रोजा रखना पड़ेगा। आपको वैसे भी तो आज 5 लाख रुपए मिल ही जाने हैं। कोहली भाई से बचा के रखे थे ये पैसे, कहाँ गए? ये लो भाई 5,000 रुपए है। और चिरपुंजू, कल से 5 किलो दूध लेके आना है। जी सर। चल जा, निकल निकल निकल। चल 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 आराम से यार। यार बड़ी अच्छी नींद आई है यार। गोली भाई, गोली भाई, मैं जाके सो जाऊं? हाँ तू जा सो जा, तब तक मैं इन लोगों को लॉन में लेकर जाता हूँ। अरे इतनी सुबह हम लॉन में जाके क्या करेंगे भाई, हमें भी थोड़ी देर सोने दो। वे जो लॉन में नहीं गया वो गोली खाएगा, मैं सुबह सुबह वर्जिश करता हूँ, चलो सीधा मेरे साथ। गोली भाई आप वर्जिश करके आ जाओ, हम लॉन में जाके क्या करेंगे, हम थोड़ी देर यहाँ सो जाते हैं। मैं अकेला वर्जिश नहीं कर सकता, तुम लोग मेरे साथ वर्जिश करोगे, चलो। वैश्य वैश्य, अब ये कटिया आदमी रोजे में हमसे वर्जिश कराएगा, मैं तो पहले ही बहुत स्लिम ट्रिम हूँ, क्यों स्लिम? चल रहे हो कि नहीं बाहर? चलो 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 उठो, चलो ना, चले। हाँ हाँ चले चले चले। क्या मुसीबत है? आपको भी पता है कि मेरी बीवी मुसीबत है। आप नहीं होती मुझसे एक्सरसाइज तो ठीक है, बस अब नाश्ते की तैयारी करो। क्यों तुम्हारा रोजा नहीं है? सहरी पे तो आधे महीने का राशन खत्म कर डाला तुम लोगों ने। ओ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ इसलिए रोजा नहीं रखा। जाओ मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो। मेरे ख्याल से वो बंदा आ गया है, जाओ उसको अंदर लेकर आओ। ओके गोली भाई, ओके गोली भाई, जब तक हम वर्जिश करते हैं। आ जाओ, ये वाली डड्डू वाली? हाँ नहीं, फिश वाली। फिश चलो, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली। तुम क्यों नहीं कह रहे? मैं गोली मार दूंगा, करो। गोली भाई, ये बंदा आ गया, बंदा। चल पे पैसे निकाल जल्दी से। ओ भाई, मैं पैसे देने नहीं लेने आया हूँ। 3,000 है इन लोगों की तरफ, तुम लोग पैसे देते हो या मैं पुलिस को लेके आऊँ? जा जाके ले आ पुलिस को, हम नहीं डरते पुलिस से, क्यों टोली भाई? गोली? हाँ हाँ, चाहे तो इस आदमी को गोली मार दे भाई, हम नहीं देंगे पैसे, जा। अरे यार, ये लो 3,000, ये पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यार, आप और क्या ले रहे? गोली भाई, गोली भाई, बस अब सिर्फ ना गोश्त वाले और सब्जी वाले का उधार रह गया है। चलो मेरे लिए नाश्ता बनाओ, वरना मैं पैरों में तुम्हारी गोलियां मारूंगा। दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। हेलो भट साहब, बात कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, उनकी जबान तो सिर्फ अपनी बेगम के आगे बंद होती है। भट साहब आप फौरन आ जाएं। आप मुझसे मिलने के लिए इतनी बेकार आ रहे हैं? भट साहब मैं खूबसूरत हूँ। ठीक है, फिर मैं भी मिलने के लिए तैयार। भट साहब मैं खूबसूरत हूँ, नबील की बीवी। अरे तुम नबील की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। भट साहब हमारे यहाँ डाकू आ गए, इसलिए आपको फोन किया मैंने। अरे तो फिर पहले बताना था ना। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। महमूद से नहीं पूछा मैंने, आपसे पूछा इब्राहिम। अरे भाई महमूद मैं हूँ यार। चुप करो तुम दोनों,
कब से इंतजार करे, कब आके तुम्हारा बंदा पैसे लेकर। वैसे गोली भाई मुझे नहीं लगता वो आ जाएगा, आप वैसे ही बेकार बैठे हुए हैं यहाँ यार। ये जो वैसे ही बैठे हैं बेकार है। हाँ जी ये बदबख्त भी है मसूद। गोली भाई आपको कह रही है। चुप करो तुम लोग, उस वक्त पैसे आगे चल जा, उस बंदे को अंदर लेकर आ। चल मैं जाऊं? हाँ जा, अगर तूने होशियारी की तो इनमें से एक कम हो जाएगा। और हो सकता है ये बड़े मुंह वाला कम हो जाए। अच्छा होशियारी नहीं करना। जा अच्छा अच्छा जा 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 अरे बड़ साहब आप आज इतने प्यारे लगे हैं मुझे आप। हाँ अंदर चलिए। कहाँ है वो डाकू? अंदर है बड़ साहब, जल्दी से उन्हें गिरफ्तार कर लें यार। अच्छा क्या क्या चुराया उन्होंने? ओ यार बड़ साहब बड़ साहब बड़ साहब, वो घर में है क्या जो वो चुराते हैं यार? अरे जब उन्होंने कुछ चुराया नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कैसे करूं? ओ बड़ साहब क्योंकि वो लोग हमारी जान ले सकते हैं। अरे अभी तक उन्होंने किसी की जान ली तो नहीं है ना? ओ बड़ साहब डाका डालने वाले लोग हैं यार, उन्हें गिरफ्तार करे बड़े खतरनाक लोग हैं। और मुझसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं होंगे ना? हाँ बड़ साहब ये तो है, आज भी आपको देख के अच्छे अच्छों की चीख निकल जाती है। अच्छा चलो चलो चल के पहले उन्हें गिरफ्तार करते हैं, फिर आराम से तुम्हारे साथ अफ्तारी करूंगा। ठीक चलो चलो चलो। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला दो, घर में नीचे रख दो। थैंक यू बट साहब, आप एक फोन कॉल पर फौरन आ गए। ये तो मेरा फर्ज था, इन जैसे डाकुओं का तो मैं रोज इनकाउंटर करता हूँ। हाँ, बट साहब इसकी तुन्नी पे गोली मारनी है। ओए शाबाश है जट साहब, छोड़ना नहीं इन दोनों को आपने। अब पता चलेगा बच्चू, अरे जब जेल में भिगो भिगो के रोटी खाओगे पानी में। ओए रुको, ले लट साहब के पिस्तौल में तो कैप्सूल ही नहीं है फरजाना। गोली माँ जी, अब ये जट साहब इन दोनों को गोली कैसे मारेंगे अंजम? ओए इंस्पेक्टर के बच्चे, ये बच्चे नहीं है, एक दर्जन बच्चों के अब्बा हैं सुली भाई। ए बुढ़िया चुप कर, अगर पैसे नहीं मिले तो तुम सबके साथ इन इंस्पेक्टर को भी जान से मार दूंगा। अरे यार तुम रोजे में मासूम लोगों का खून बहाओगे? ओ भाई जिसने बट साहब को फोन करके बुलाया ना, यानी पुलिस बुलाई है, आप उसी को गोली मार दें। नबील तुम क्या कह रहे हो यार? तुम जैसी शातिर औरत का यही अंजाम होना चाहिए खूबसूरत। शट अप नबील। बाय बाय जानू, मेरे सामने ना गोली मारना मेरी बीवी को, मैं बाहर चला जाता हूँ। बकवास नहीं करो, रोजा खुलने वाला है, चलो किचन में जाओ इफ्तारी की तैयारी करो। चलो चलो चलो। क्या जा रहे? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। हो गया, मैं तो चलता हूँ। खैर जे मैं भी अपने मियां के साथ जा रही हूँ, चले लट साहब। मामा, अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई। चुप, मेरे शौहर लट साहब है, मैं तुझे नहीं जानती। चुप करो, जब तक मुझे 5 लाख रुपए नहीं मिल जाते इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। चाकू इन सबको तुम लॉन्च की तरफ लेके जाओ, तब तक मैं रात का मेन्यू सोचता हूँ। ओ गोली भाई 5 लाख रुपए आने से पहले पहले कहीं हैजे से ना मर जाना यार। डाका चलो चाकू इन सब को लेके जाओ। चलो आ जाओ। अच्छा चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। भाई अभी अभी इफ्तारी की है, थोड़ी देर बैठ जाए। खड़े रहो खड़े रहो। पैसे आ गए पैसे आ गए पैसे आ गए पैसे आ गए। चाकू जाकर देखो फिर कोई अपना उधार वापस लेने आया है। ठीक है उस्ताद जाओ। मैं तो कहता हूँ भाई सारा हमारा उधार एक दफा चुका दो, जब पैसे आएंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। सिंपल आ गया, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। उस्ताद ये आया है। ये तो पापा का मैनेजर है। निकाल 5 लाख रुपए। मैं तो पैसे लेके आ रहा था, रास्ते में गन पॉइंट पे सारे पैसे छीन लिए मुझसे किसी ने। शबशे। गोली भाई अब आप क्या करेंगे? तुम सबको अब गोली भाई की
गोली खानी पड़ेगी। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते